सुप्रभातम सर्वे छात्र छात्रा। अद्य संस्कृत पुस्तकस्य द्वितीय पाठ लंग लकार प्रथम पुरुष सप्तम वर्गस्य कृते अर्थात वर्ग सात के पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वितीय भाग जिसमें हमें लंग लकार प्रथम पुरुष के विषय में अध्ययन करना है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। ऐसे पूर्ववर्ती क्लास में आपने लकार के विषय में जाना कि लकार पांच है लौकिक व्याकरण में, लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार अनुज्ञा, लंग लकार भूतकाल, विधि लिंग चाहिए अर्थ में और लृट लकार भविष्यत काल। अभी हमें लंग लकार का प्रयोग का अध्ययन करना है जिसमें हमें प्रथम पुरुष की जानकारी देनी है। लंग लकार प्रथम पुरुष के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय इस प्रकार है। यह है अपठत, अ जोर पठ जोर अत, अपठत एक वचन में प्रयोग होते हैं, से वह पढ़ा या उसने पढ़ा तो सह अपठत, द्विवचन में अपठताम, अ जोर पठ जोर अताम। उन दोनों ने पढ़ा तो अपठताम, और बहुवचन में अपठन, अ जोर पठ जोर अन, वे सब पढ़े या उन सब ने पढ़ा ते अपठन। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग तीनों वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालक अपठत, एक लड़का पढ़ा। बालकौ अपठताम, दो लड़के पढ़े। बालका अपठन, बहुत से लड़के पढ़े। बालिका अलिखत, एक लड़की लिखी। बालिके अलिखता, दो लड़कियां लिखी। बालिका अलिखन, बहुत से लड़कियां लिखी। सुनैना दुग्धम अपिबत, सुनैना दूध पी। शारदा सुनैना च दुग्धम अपिबता, शारदा और सुनैना दूध पी। बहुवचन में तरुणा शारदा सुनैना च दुग्धम अपिबत, तरुणा शारदा और सुनैना दूध पी। अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, शिक्षिका वर्ग में आई। अध्यापिके कक्षाम आगच्छताम, दो शिक्षिकाएं वर्ग में आई। अध्यापिका छात्रैः सह आगच्छन, बहुत सी शिक्षिकाएं छात्रों के साथ आई। अर्जुनः धनुर्धरः आसीत, अर्जुन धनुधर था। लवः कुशः च भ्रातरौ आस्ताम, लव और कुश दोनों भाई थे। पांडवाः पंच आसन, पांडव पांच थे। छात्रः पाठम अस्मरत, छात्र पाठ को पढ़े। छात्रौ पाठम अस्मरताम, दो छात्र पाठ को पढ़े। याद किए, छात्रा पाठम अस्मरण, बहुत से छात्र पाठों को याद